इस वीडियो में हम रेफरेंस टैब के टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ ग्रुप के बारे में जानेंगे कि इसका काम क्या होता है ये। तो इसको समझने के लिए पहले हम ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है ये। इसके बाद ये अगला हमारा ये, यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है ये। इसके बाद ये हमारा थर्ड पेज है ये। तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे हम ये हमारे पास कीबोर्ड, वीडियो, स्कैनर, प्रिंटर, लाइट पेन। तो ये हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो अब हम इनको बताएंगे कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं और कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे कीबोर्ड को। कीबोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मार्क सिटेशन यहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ पे देखो ये कीबोर्ड को सेलेक्ट किया था, ये कीबोर्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट पे आ जाएगा। ये सेलेक्टेड टेक्स्ट यहाँ पे एक कैटेगरी है, तो कैटेगरी में ये डिफ़ॉल्ट ये सेट हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करने चाहते हैं इसको, अगर कैटेगरी हमने ये चेंज करनी है, ये देखो हमारे पास ये सभी कैटेगरी है, ये कैटेगरी है। अगर हम चाहते हैं कि ये कैटेगरी हम यहाँ पे कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस ये करना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, जैसे ये नंबर यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, ये कैटेगरी पे गए, कैटेगरी यहाँ पे एट की जगह यहाँ पे हम करेंगे ये इनपुट डिवाइस, यहाँ पे ये किया। इसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद अगला नंबर ये, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस ये हमने यहाँ पे लिखा। इसको फिर हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, ये देखो यहाँ पे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस ये यहाँ पे आ जाएंगी। ये करने के बाद ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है, ये देखो कुछ इनपुट डिवाइसेस है और कुछ आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये बताने के लिए हमने यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस कैटेगरी में इनपुट डिवाइसेस भरा और आउटपुट डिवाइसेस भरा। ये भरने के बाद हम क्या करेंगे, ओके पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक, अब हमारे पास कैटेगरी बन चुकी है ये। अब कीबोर्ड हमारा इनपुट यूनिट ये है, तो हम कैटेगरी में इनपुट ये सेलेक्ट किया हमने ये, और मार्क पे क्लिक करेंगे। ये हमारा कीबोर्ड है, यहाँ पे देखो ये इनपुट, ये कैटेगरी है हमारी, तो कीबोर्ड क्या है, ये इनपुट डिवाइस। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और मार्क पे क्लिक करेंगे। मार्क पे क्लिक करने के बाद ये देखो हमारे पास ये आ जाएगा कीबोर्ड। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसको क्लोज किया। इसके बाद हम ये हमारे पास दूसरा है ये, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये मार्क सिटेशन पे जाएंगे। यहाँ पे ये देखो हमारे सेलेक्टेड टेक्स्ट पे वीडियो आ जाएगा। यहाँ पे वीडियो जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ ये कैटेगरी से हम आउटपुट डिवाइस ये सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो ये देखो हमारा आउटपुट डिवाइस ये है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे मार्क पे क्लिक करेंगे। तो मार्क पे क्लिक करते हमारे पास ये टेबल ऑफ अथॉरिटी बन के आ जाएगा ये। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। इसके बाद स्कैनर, इसको भी हमने सेलेक्ट किया, मार्क सिटेशन पे जाएंगे, यहाँ पे स्कैनर आ जाएगा। स्कैनर जो है हमारा इनपुट डिवाइस है, तो हम कैटेगरी से इनपुट डिवाइस सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम आगे ये देखो जो सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं ये मार्क पे क्लिक करेंगे ये। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे। इसके बाद अगले को सेलेक्ट करेंगे, प्रिंटर को। प्रिंटर को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, मार्क स्टेशन यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये प्रिंटर आ जाएगा। तो प्रिंटर क्या है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे हम आउटपुट डिवाइस ये सेलेक्ट करेंगे, ये देखो आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के बाद हम यहाँ पे मार्क पे क्लिक करेंगे, ये टेबल ऑफ अथॉरिटी प्रिंटर का ये बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्लोज किया। अगला है हमारे पास
लाइट पेन, लाइट पेन, फिर हम यहाँ पे जाएंगे मार्क स्टेशन पे जाएंगे। मार्क स्टेशन पे जाने के बाद ये लाइट पेन जो है हमारे इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस यहाँ पे किया, जो जो हम कर रहे हैं यहाँ पे लिस्ट में आ रहा है ये। इसके बाद हम मार्क पे क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा ये। इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। ये अगला है हमारे पास प्लॉटर्स, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, मार्क स्टेशन पे जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे कैटेगरी में आउटपुट डिवाइस यहाँ पे भरेंगे। ये देखो आउटपुट डिवाइस यहाँ पे आ गया। ये आने के बाद हम मार्क पे क्लिक करेंगे। मार्क पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास प्लॉटर का टेबल ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे बन के आ जाएगी ये। इसके बाद यहाँ पे क्लोज किया, ये देखो क्लोज किया। तो इस प्रकार ये हमारे पास ये जितनी भी हमारी लिस्ट है ये यहाँ पे आ जाएगी ये। इसके बाद हम ब्लैंक पेज पे आएंगे, ये हमारा अगला ब्लैंक पेज है ये, यहाँ पे आएंगे। तो पहले क्या करते हैं, ये शो एंड हाइड ये जो सिंबल है इनको हटाते हैं ये। इसके लिए होम पे जाएंगे, यहाँ पे शो एंड हाइड पे जाएंगे, ये यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पे हमने अपना कर्सर रखा ये। इसके बाद क्या करेंगे, रेफरेंस टैब पे जाएंगे। इसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे जाएंगे, ये देखो। इसके बाद ये क्लिक करते हैं, हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, टेबल ऑफ अथॉरिटी ये आ गया। यहाँ पे क्या करना है, हमने कैटेगरी में ऑल कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, कि जितनी भी कैटेगरी हमने सेलेक्ट की हुई हैं सभी आ जाएं ये। तो ये ऑल पे क्लिक किया, ऑल पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास फॉर्मेट इसमें आ जाएगा ये, फ्रॉम टेम्पलेट। अगर वो स्टाइल चाहिए तो हम ये क्लासिक, ये देखो क्लासिक में आ जाएगी ये। अगला फॉर्मर, तो इसमें आ जाएगा ये। अगर और चाहिए हमें सिंपल में चाहिए, ये सिंपल में आ जाएगा। तो जिस भी इसमें स्टाइल में हमें चाहिए ये, उस स्टाइल में ये बन के आ जाएगा ये। इसके बाद क्या करना है, हमें ओके पे क्लिक करना है। ये देखो ओके पे क्लिक करते ही हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसमें देखो इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन है, ये एक कीबोर्ड है, एक लाइट पेन है, एक स्कैनर है। ये हमारे दूसरे पेज पे है ये कीबोर्ड, लाइट पेन दूसरे पेज पे है, स्कैनर दूसरे पेज पे है। अब आउटपुट डिवाइस, ये हमारा प्लॉटर है, ये दूसरे पेज पे है, ये प्रिंटर, ये भी वीडियो, ये भी। तो इस प्रकार ये बन के आ जाएगा टेबल ऑफ अथॉरिटी, ये आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करने जाते हैं, ये अगर हमें एक यहाँ पे और इंसर्ट करना है, ये जैसे सपोज करो हमें ये इनपुट डिवाइस इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, ये तीसरे पेज पे जाएंगे, तीसरे ये हमारा दूसरा पेज है ये, यहाँ पे तीसरे पेज पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने मार्क स्टेशन यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये हमारा क्या है, माउस ये आ गया। इसके बाद ये हमारा इनपुट, तो यहाँ पे इनपुट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मार्क किया, ये देखो ये आ जाएगा टेबल ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे माउस की ये बन के आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे क्लोज किया इसको। क्लोज करने के बाद ये जैसे हमारा ये है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ये देखो हम यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर। यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्लिक करते हमारे पास ये अपडेट टेबल यहाँ से ओपन हो जाएगा ये। तो ये करने से पहले हम क्या करते हैं, ये शो एंड हाइड को ये यहाँ से हटाते हैं ये सिंबल को। तो होम पे हम गए और यहाँ पे शो एंड हाइड सिंबल को यहाँ से हाइड कर देंगे। ये देखो यहाँ से चला जाएगा ये चला जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम रेफरेंस टैब के ऊपर जाएंगे, अपडेट टेबल के ऊपर जाएंगे। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, तो अब माउस जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट में। ये देखो माउस जो है कितने पेज के ऊपर है, तीसरे पेज के ऊपर है। तो इस प्रकार हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं ये। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।